नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। justnyay.com एक ऐसा ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपकी कानूनी समस्याओं को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं से आपको रूबरू घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन कराते हैं। इसलिए justnyay.com पर जरूर जाएं। बातचीत कर लेते हैं आज लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेके। इससे पहले हम 4 वीडियो लैंड एक्विजिशन को लेके आए। आपने उन लैंड एक्विजिशन के वीडियो को देखा, बड़ा सा रहा और आपके लगातार हजारों की संख्या में हमें कॉल आ रहे हैं, और इसीलिए हमने अब 5वां वीडियो यानी कि जो अभी आपने बेसिक कानून समझा उसके आगे के जो प्रश्न हैं, जो लगातार हमको प्रश्न आए, उस पर हम आज बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है केसी कौशिक साहब के पास आ गए हैं। केसी कौशिक साहब का पिछला 45 साल का बड़ा अनुभव है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे और तमाम बड़े पदों पर लगातार काम कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन के मामले में 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर चुके हैं। तो हम आज बात करने के लिए हम केसी कौशिक साहब से शुरू करेंगे। कौशिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपका एक ब्रीफ, चूंकि आपका एक बड़ा अनुभव है, एक ब्रीफ। 1894 का पुराना कानून और 2013 का नया कानून जिसमें कहा गया रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, मुआवजा बेहतर, 100% सॉल्यूशन, तमाम दावे किए गए, आप क्या समझते हैं वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं। देखिए, पार्लियामेंट ने जिस हिसाब से 2013 का कानून पास किया था वो सराहनीय कानून था, और जो 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 लैंड ओनर्स हैं उनकी जो जमीन जमीन जब ली जाती है तो उनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है, जो जो लैंड ओनर्स हैं उनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हमेशा रही है और होनी भी चाहिए कि जब उनकी भूमि का अधिग्रहण होता है तो उनको एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो भूमि अर्जन कानून जो है 1894 का था उसमें जो कंपनसेशन मिलता था उसमें बड़ा स्ट्रगल करते थे और उसमें बहुत एनिमिता थी जिसको मैं कहूँगा। तो सरकार ने जो 2013 में जो कानून पास किया था वो उसमें उन्होंने कहा था फेयर कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन की उन्होंने बात कही थी, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी कि यदि आप रूरल एरिया की जमीन एक्वायर करते हैं तो जो सर्किल रेट है उसका 4 times होना चाहिए, अर्बन की करते हैं तो आपको उसका जो सर्किल रेट है उसका 2 times होना चाहिए। तो जो कानून बनाया गया था, इस कानून से ऐसी उम्मीदें की जा रही थी, इस कानून के हिसाब से अब जो है ना, जो जिनकी भूमि अर्जन होगा उनको फेयर कंपनसेशन मिलेगा। नहीं, मेरा आपसे स्पष्ट रूप से केसी कौशिक सर है कि क्या नया कानून जो आया अपने जो विचारधारा के साथ आया, अपनी अवधारणा के साथ आया, वो ग्राउंड पे कुछ दिखा है या केवल कानूनी अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन खराब है? देखिए, कानूनी अच्छा तो बिल्कुल है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी भी हम ग्राउंड लेवल पे जाएं तो जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है या कलेक्टर होता है उनका माइंडसेट पुराने वाला है, वो नए माइंडसेट से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके यदि वो नए माइंडसेट से जिस तरह से पार्लियामेंट में कानून पास किया था उस तरह से वो कार्रवाई करेंगे तो फेयर कंपनसेशन, ऐसा मुझे उम्मीद है फेयर कंपनसेशन मिलेगा। चलिए, ये तो आपने एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया। हम प्रश्न जो आपके प्रश्न आए हैं लगातार, हमको हजारों की संख्या में कॉल्स आई हैं, उस पर हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। प्रश्न नंबर 1 है कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर आम जनता में स्पष्टता नहीं है, मुआवजे का निर्धारण पुराने कानून से होगा या नए कानून से होगा? यानी कि एक्विजिशन अगर 1974 में किया गया है, अब नया एक्ट अभी तक कुछ हुआ भी नहीं और एक्विजिशन के बाद मुआवजा भी नहीं अभी तक मिला है, तो सब निर्धारण अब जबकि नए कानून के हिसाब से उसका फाइनलाइज होगा या वो पुराने से चलेगा, ये थोड़ा प्रश्न आ रहा है। देखिए, जो 2013 का जो कानून आया है उसमें उन्होंने एक धारा 24 दी थी, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था, 2 बातें उसमें कही गई थी। यदि पुराने जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के माध्यम जो भूमि का अर्जन हुआ है यदि उसमें कंपनसेशन नहीं दिया गया है या उसका भूमि अर्जन जो किया है वो 5 साल से पहले का है, यानी कि 1 जनवरी 2014 से पहले का है, तो उसमें नया कानून अप्लाई होगा, पुराना कानून अप्लाई नहीं होगा। ये 2013 के कानून में बात आई थी।
जब ये बात आई थी तो ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट हुआ था, एक केस हुआ था पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जी। तो जो पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का केस था उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, ये कानून बना था कि साहब यदि कंपनसेशन आपको जो भूमि, जो जिसकी भूमि अर्जन किए नहीं मिला है तो प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएंगी, यदि वो पैसा कोर्ट में जमा नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगी। पहले क्या होता था, जो पुराना 1894 का कानून था उसमें ट्रेजरी में पैसा जमा कर दिया जाता, जो ट्रेजरी में पैसा जमा करते वो सरकार के पास ही होता था, सरकार के एक पॉकेट से निकल के दूसरी पॉकेट में चला जाता। तो उस कानून में ये बात आई थी, कोर्ट वर्ड था उसमें, कि कोर्ट का मतलब है कि जो रेफरेंस कोर्ट है, रेफरेंस कोर्ट होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, तो जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है तो उसमें यदि पैसा जमा किया है तो प्रोसीडिंग लैप्स नहीं होंगी। यदि उन्होंने अपने पास रखा है या उन्होंने ट्रेजरी में जमा कर दिया उसमें प्रोसीडिंग जो है ना वो ऑटोमेटिक लैप्स का, लैप्स को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर दो सवाल की तरफ हम चलते हैं, मुआवजे की गणना को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई व्यवस्था दी है? अगर हाँ तो वो क्या है? मतलब इसका साफ तौर पर यह है कि देश भर से हमें जो कॉल आ रही है वो कह रहे हैं साहब हमारी लैंड की कीमत 100 रुपए है और डीएम निर्धारित कर रहा है 10 रुपए, अब कहां तक 90 रुपए के लिए लड़ा जाएगा? तो ये मुआवजे की गणना को लेकर कि किस तरह मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा उसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा? देखिए इसको हमको इस तरह से समझना पड़ेगा, जब क्या नाम है अवार्ड करने की बात आती है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के सामने तो उस टाइम जिन जो काश्तकार हैं उनको वो शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि जमीन मान लीजिए 200 बीघे जमीन एक्वायर हो रही है तो वो रसी वहाँ पर जो रजिस्ट्री दिखाते हैं 100 गज की दिखाते हैं, 200 गज की दिखाते हैं। यदि जंग कॉपर्ट 1 बीघा के दिखाते हैं, 2 बीघा के दिखाते हैं, 5 बीघा के दिखाते हैं तो उसमें कंपनसेशन उसी हिसाब से डिसाइड होता है। जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है, चूंकि मैंने जिला कचहरी से वकालत स्टार्ट की है, मेरे जो सीनियर थे वो खुद लैंड एक्विजिशन के एक्सपर्ट थे और वो डीजीसी सिविल थे। हमने ऐसा देखा था जब सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे रेफरेंस कोर्ट में, तो ये देखा गया था कि जो काश्तकार हैं वो अपना केस प्रॉपर प्लीड नहीं कर पाते थे और उसका रिजल्ट ये होता था जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता वो ज़्यादा दाएं बाएं ना करके उसको जो समझ में आता था उसके हिसाब से पास कर देता था। उसमें कानून में प्रावधान, पुराने कानून में प्रावधान है कि यदि आप उसे संतुष्ट नहीं हैं तो आपको रेफरेंस कोर्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। रेफरेंस कोर्ट का मतलब है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसके सामने आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पर अभी आप एविडेंस देते हैं। ये तो सर आपने बिल्कुल प्रक्रिया का हिस्सा बता दिया, लेकिन क्या गणना के अनुसार, मतलब कुछ तो इनका दिमाग ये होगा कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर किस आधार पर जमीन का वैल्यूएशन करेगा? देखिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो अभी तक के हमने देखा है वो ये करते आए हैं कि उन्होंने जो है ना जो रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री को बेसिस बनाते हैं। क्योंकि जहां तक सर्किल रेट का सवाल है, सर्किल रेट हम सबको पता है कि सर्किल रेट मार्केट रेट से बहुत कम होता है, तो इसलिए दिक्कत ये आती है सर्किल रेट को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो सिर्फ जो रजिस्ट्री होती है उसके बेसिस पे वो अपना कंपनसेशन का रेट डिसाइड करते हैं। और जो काश्तकार है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जो बड़ी लैंड है, जो बड़ी रजिस्ट्री हुई है उसको ना दे के छोटी छोटी रजिस्ट्री दिखाते हैं तो छोटी छोटी के बेसिस पे उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें जस्टिस सिंघवी का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने 2011 में ये कहा था कि आप जो जमीन एक्वायर करते हैं, जमीन तो आप एक्वायर करते हैं काश्तकार की, बड़े मीगर अमाउंट पर करते हैं और आप बिल्डर्स को जमीन देते हैं, ये न्यायहित में नहीं है, आपको कंपनसेशन भी उस हिसाब से ही देना चाहिए। वो पहली बार एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था जो सराहनीय जजमेंट था। मतलब मार्केट रेट को ध्यान में रख के ही एक्विजिशन का जो कंपनसेशन है, डिटरमिनेशन अवार्ड है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जो 2013 देखिए जस्टिस सिंघवी साहब ने 2011 में जो बात कही थी वो बात ही पार्लियामेंट ने 2013 का जो कानून बनाया था उसमें भी उन्होंने वही बात की है कि फेयर कंपनसेशन होने चाहिए। और फेयर कंपनसेशन का मतलब ये जो मार्केट रेट है कम से कम उसके आसपास आपको देना चाहिए। जो बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट, जो बाकी जो एक्वायरिंग बॉडी है बार बार इस पर ह्यूमन क्राई कर रही है ये लैप्स हो जाइए, उसका कारण ये है कि 2013 का जो कानून बना है उसमें फेयर कंपनसेशन की बात है। यदि प्रोसीडिंग पुराने कानून में लैप्स हो गई और नए कानून में चल रही हैं तो आपको फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने जमीन अधिग्रहण पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं लिया है, साथ ही मुआवजा भी नहीं दिया है, यानी कि ट्विन कंडीशन।
भूस्वामी उस जमीन पर वही कार्य कर रहा था जो अधिग्रहण के पहले कर रहा था। इस स्थिति में भूमि स्वामी क्या माने? अच्छा, दूसरा यहाँ क्या है, जमीन, सवाल यह है कि जमीन उसकी है या नहीं है। अब मैं जो प्रैक्टिकल सवाल आ रहे हैं, जो आम जनता, आम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब एक्विजिशन प्रोसेस हुआ, एक्विजिशन प्रोसेस के बाद सरकार ने कहा अधिग्रहण कर लेंगे और मुआवजे का निर्धारण, जैसा कि आपने कहा कि ट्रेजरी में चला गया पैसा, आपके आया नहीं, जमीन पे भी फिजिकल कब्जा नहीं लिया, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में कब आ गया जमीन का नाम। अब वो किसान उस ओहापोह में है कि जमीन हमारी है कि नहीं है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड में तो जिस एक्विजिशन जिसने किया है उसका नाम चल गया है, राज्य सरकार के यहाँ नीयत चली गई, मुआवजा इधर मिला नहीं है, तो वो अजीब सी स्थिति में वो खड़ा हो जाता है, इसलिए वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2020 का जो जस्टिस अरुण मिश्रा की जो संवैधानिक पीठ का जो निर्णय आया है, उसमें उन्होंने वो विसंगति खत्म कर दी है। पहले क्या था, कंपनसेशन एक बात था, पजेशन दूसरी चीज थी, ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं हुआ है तो प्रोसेसिंग लैप्स मानी के जाए, ठीक है, लेकिन संविधान पीठ का निर्णय आने के बाद वो कहता है ट्विन कंडीशन है, दोनों होनी चाहिए, पहले और था बाद में एंड कर दिया, करेक्ट, पहले कर दिया है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दोनों कंडीशन नहीं हुए, यदि अवार्ड हो गया है और कंपनसेशन उसको नहीं भी मिला है, उसके केस में भी ये कहते हैं कि वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन निहित के बाद यही तो जो आम लोग हैं वो प्रश्न ये कर रहे हैं कि साहब अब ना हम जमीन बेच पा रहे हैं, मुआवजा इधर मिला नहीं है, तो जो स्थिति है वो है, अब हमारी जमीन हमारी है कि नहीं है। देखिए, ये देखिए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो उनकी जमीन नहीं है, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या नाम है कायस्कार की जमीन नहीं है तो कायस्कार उस जमीन को बेच नहीं पाएगा, ये तो एक बात समझनी चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो फिजिकल पोजीशन में है, तो फिजिकल पोजीशन में वो अपनी जमीन पे जो कायस्कारी कर रहा है उसको काट सकता है, बो सकता है, लेकिन यदि टेक्निकल कानूनी बात माने तो वो जमीन सरकार में निहित हो गई। कहने का मतलब है सिर्फ साफ तौर पर किसी कौशिक साहब कि जिस समय एक्विजिशन हुआ तुमने लैंड रिकॉर्ड में डाल दिया अपना नाम, उस समय तक आपको मुआवजे का निर्धारण कर देना चाहिए था। हाँ। तो कम से कम इस तरह की स्थिति ना रहती। सर ने जो बात कही वो सेक्शन 24(2) का इंटरप्रिटेशन जो किया जस्टिस मिश्रा की बेंच ने, संवैधानिक पीठ थी, और उसके रिव्यू को लेकर लगातार बहुत प्रश्न आ रहा है। इसमें हालांकि मैंने रिव्यू का प्रश्न नहीं डाला, लेकिन सर 24(2) के रिव्यू को लेकर एक बड़ी संशय है। ये रिव्यू 2006 मार्च, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है, 6 मार्च 2020 का जजमेंट, बिल्कुल जैन, और 6 मार्च 2020 से लेकर आज मार्च 2023 निकल गया, लेकिन अभी कोई कहीं सुनवाई को लेकर कहीं हेयर से भी मैं नहीं, तो क्या रिव्यू पिटीशन पे इतना क्यों समय लग रहा है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, रिव्यू पिटीशन 30 दिन में दाखिल होने चाहिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं, ठीक है, और लेकिन उन रूल्स में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये संविधान पीठ के सामने या पर्टिकुलर कोर्ट के सामने इसको जो है ना इतने दिन में लगाई जा सके। अक्सर ऐसा देखा गया है जहाँ मान लीजिए संविधान पीठ है या और कोई पीठ है, उसमें यदि एक न्यायमूर्ति या दो न्यायमूर्ति रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने में सुप्रीम कोर्ट समय लगाती है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, 24-2 के इस जजमेंट के अवलोकन में आपका क्या विचार है, आपका बड़ा अनुभव है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो संविधान पीठ ने निर्णय दिया है उसमें विसंगति है, वो यदि इसको सही तरह से लड़ा जाए तो ये हर संविधान पीठ में जाएगी, 7 जजेस में जाती है या 9 जजेस में जाती है, तो वहाँ इसका हो सकता है इसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आप सहमत थे उस जजमेंट से या नहीं थे? देखिए, उसमें दो विसंगति हैं। पहली बात तो ये है कि जो 3 जजेस का जो जजमेंट था उसको भी प्रिजाइड ओवर जस्टिस अरुण मिश्रा ही कर रहे थे, दूसरी जो संविधान पीठ बनी थी उसको भी प्रिजाइड ओवर वही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो पहला निर्णय को उन्होंने रिवर्स किया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आदमी अपना जो निर्णय होता है उसको अपहेल्ड करता है, उसको सही मानता है, लेकिन उन्होंने एक डेरिंग को दिखाया कि उन्होंने ऐसा माना कि पहला निर्णय मेरा गलत था, जो संविधान में बैठे तो उसका उन्होंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। तो इसमें जो विसंगति आ रही, जो बात आ रही है और जो इसमें चर्चाएं आ रही हैं कि यदि इसमें इस संविधान पीठ को प्रिजाइड ओवर जस्टिस अरुण मिश्रा ना करके कोई और जस्टिस करते तो फैसला शायद ये नहीं आता, कोई और फैसला आता। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम सर बढ़ते हैं। जमीन अधिग्रहण के समय लैंड रिकॉर्ड में कई मालिकों, लाभार्थियों के नाम दर्ज हैं,
एक बड़ा समस्या है सर। इस स्थिति में मुआवजा किसे मिलेगा? साथ ही अगर जमीन की मलकियत पर कोई विवाद की स्थिति है तो मुआवजा कैसे मिल सकता है? ये क्या होता है गांवदारी में तो आप जानते हैं, उसी दो तरह से इसमें निकलता है। एक तो लैंड रिकॉर्ड पे मल्टीपल लोगों के नाम है उसी जमीन में, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक पर्सन उसमें कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उस जमीन का मुआवजे का निर्धारण कैसे होगा? इस दो का जरा जवाब देखिए। इस प्रश्न को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये है कि खसरा खतौनी में जिसका नाम दर्ज है वो उस दिन दे रहा है जिस दिन सरकार धारा 4 इशू करती है। हाँ। तो धारा 4 का जो नोटिफिकेशन इशू करती है उसमें जो है ना जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है कंपनसेशन नॉर्मली उस व्यक्ति को मिलता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि उनमें इंटरेस्ट ही लिटिगेशन चल रहा है कि जमीन ए की है, बी की है या सी की किसकी है। उस केस में तो जो मालिकाना अधिकार है सिविल कोर्ट से तक निर्णय नहीं होगा, तब तक लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ये कह सकता है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दे, वो किसी को भी ना दे। तो मतलब जब तक वो डिसाइड नहीं होगा कि आखिर खसरा खतौनी में उसकी मलकियत किसकी है तब तक मुआवजा नहीं दिया जा सकता। तब तक नॉर्मली नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मुआवजे पर विवाद की स्थिति क्षेत्राधिकार के बारे में स्पष्ट नहीं है, क्या निचली अदालत से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए या हाईकोर्ट जाना चाहिए? वो कौन सी स्थिति है जहां सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है? अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। एक तो नए कानून में हाईकोर्ट का एक प्रावधान किया गया था, दूसरा लोग कह रहे हैं सपोज करिए हम शुरू करते हैं कि साहब नोटिफिकेशन आया, डीएम ने निर्धारण किया, डीएम के निर्धारण के बाद से आप उसको जो नई अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन में मुआवजा ना निर्धारित होने पर नई अथॉरिटी का गठन का प्रावधान किया गया, आप उसके पास गए, वो कमिश्नर के लेवल पे होगी, इसके बाद की स्थिति क्या है? अब क्या वो जिला न्यायालय जाए उसकी कंपनसेशन इन्हेंसमेंट को या नए एक्ट के मुताबिक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सके? देखिए पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो नया 2013 का जो कानून आया है उसमें भी एक धारा 63 है। धारा 63 ये कहते हैं सिविल कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और उसमें ये लेकिन उसमें कैवेट है कि जो हाई कोर्ट है उनको धारा जो आर्टिकल 226 और 227 में कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आपका जो सवाल है, आपका सवाल बेसिकली ये है कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने का से आप सेटिस्फाई ने तो आप कमिश्नर के यहाँ चले गए। ठीक है, यदि आप कमिश्नर के यहाँ गए हैं तो आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। और यदि आप लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के निर्णय के खिलाफ रेफरेंस मांगते हैं तो आपको एडिशनल डिसीजन क्या जाना पड़ेगा। ठीक है, किसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं, मतलब सीधे नहीं आया जा सकता। देखिए हाँ। उसको दो तरह से समझना चाहिए। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 226 है, 227 है, उसमें यदि मैं सही इस कानून समझता हूँ और पब्लिक डोमेन में है कि उसमें यदि आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आपको ब्रॉड बेस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ब्रॉड बेस पे अपना केस पुट अप कर सकते हैं। और यदि आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो वहाँ लिमिटेड स्कोप है और अक्सर रेयर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट 32 में चीज़ें एंटरटेन करती है। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट कहती है पहले आप हाई कोर्ट जाइए, 226 या 227 में जाइए, उनका निर्णय जब हमारे सामने होगा तो आपके फैक्ट्स और कानून हम बेटर तरीके से एग्जामिन करके उस पर निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो केसी कौशिक सर की आपने बात सुनी और केसी कौशिक सर ने एक लॉ बताया कि भैया हाई कोर्ट भी बने सुप्रीम कोर्ट भी बनाए, 226 अनुच्छेद में आप हाईकोर्ट आ सकते हैं अपने किसी भी अगर आपका अधिकार कोई छिन रहा है या अधिकारों को लेकर, दूसरा आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात तो एक तो ये कानून हो गई है, दूसरी आपके यानी कि किसानों भूमि धारकों के लिए एक लाभार्थी वाली बात है कि भैया आपके पास हाईकोर्ट का विकल्प है तो आप हाईकोर्ट के विकल्प को क्यों छोड़ोगे? मैं हजारों लोग जो फोन करते हैं वो कहते हैं साहब हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर दे रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मत करिए, हाई कोर्ट से शुरुआत करिए, हाई कोर्ट से आपको उचित ऑर्डर ना मिले फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट के विकल्प को नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहने का सीधे मतलब है। सर हम अगले नहीं पहले मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपकी डिस्कशन से नई बात आई। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं जो काश्तकारों को सलाह देना चाहूंगा कि वो लैंड एक्विजिशन के निर्णय के खिलाफ वो कमिश्नर के नहीं जाए। उसका ना जाने का आपको कारण बताता हूँ क्या है। कमिश्नर बेसिकली आईएएस होता है और जो रेफरेंस कोर्ट को धारा 18 में आप जाएंगे
तो आपको रेफरेंस कोर्ट में जाएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से आप जो आप एविडेंस लीड कराएंगे उसमें जो जो एक जुडिशियल ऑफिसर है, एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर है, वो उस एविडेंस को सही तरह से अप्रिशिएट कर पाएगा इन कंपैरिजन ऑफ द कमिश्नर। ओ, ये एक बड़ा तथ्य है। केसिक सर ने क्योंकि उनका तो लंबा अनुभव हो गया लैंड एक्विजिशन को लेके, इसलिए आपने सही बात बोली। हम अगले प्रश्न की तरफ केसिक सर बढ़ रहे हैं। लैंड अधिकारी या डीएम ने मुआवजा निर्धारित करते समय जमीन का उचित मूल, बाजार भाव, जमीन की उपयोगिता आदि पर ध्यान नहीं देते हुए जमीन का मूल्य निर्धारित कर दिया है, इस स्थिति में भू स्वामी के पास क्या क्या विकल्प होंगे? तो आपको धारा 18 में प्रार्थना पत्र देना चाहिए कलेक्टर के सामने कि सर हमारा जो मैटर है वो आपने गलत निर्णय दिया है, तो आप रेफरेंस कोर्ट को हमारा मैटर रेफर कर दीजिए। जब रेफरेंस कोर्ट को जाता है तो रेफरेंस कोर्ट में आप एविडेंस और लीड करिए, यदि आपकी या आपकी जो एविडेंस है उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया तो वहां जाके आप कह सकते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि वो न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनको कम से कम 20 साल का न्याय करने का तजुर्बा होता है, तो वो आपकी चीज़ों को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे इन कंपेरिजन ऑफ एसडीएम या ईडीएम या कमिश्नर, इनके केस कमिश्नर। ठीक है सर, मैं ये तो आपने कानून की बात बता दी, लेकिन माफ कीजिएगा सर, 15-15, 20-20 साल से निचली अदालतों में लैंड एक्विजिशन के मामले लटके हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं, वकीलों को फीस भी दे रहे हैं और मुकदमा भी नहीं सुनने में आ रहा है और 10-10 साल 15 साल की डेटें लग रही हैं, तो न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैसे सर, ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन है। देखिए, जो आपने कहा ये बात अपनी जगह किसी हद तक सही है, लेकिन इसके दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि यदि आपका एक रीजनेबल टाइम पे जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निर्णय नहीं करता है तो उनके यहाँ आपको अर्ली हियरिंग लगानी चाहिए। यदि अर्ली हियरिंग वो आपका वो भी आपको डिसमिस कर दे तो आप सीधा आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट से आप डायरेक्शन कराइए कि साहब हमारी जमीन का इतने से फैसला नहीं, हमारे जीवोपार्जन का सवाल है, हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई करी जाए। मेरा ऐसा मानना है कि हाईकोर्ट बहुत रीजनेबल होती है, हाईकोर्ट एक रीजनेबल डायरेक्शन देगी, उस समय में उस मैटर का निर्णय हो सकता है। ठीक है, हमारे एक क्लाइंट का फोन आया था, 22 साल से निचली अदालत में उनका मैटर झूल रहा है, वही समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, उनको अर्ली हियरिंग लगानी चाहिए, अर्ली हियरिंग के लिए जाना चाहिए, बहरहाल उसके जल्द सुनवाई के लिए। अच्छा, जल्द सुनवाई के लिए अगर हाईकोर्ट से कोई सक्षम ऑर्डर ना मिल पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि दोनों आपके पास विकल्प खुले हैं। एक तो लंबा पीरियड अगर चल रहा है तो उससे बहुत परेशान होने की बात नहीं है, अर्ली हियरिंग आप अपने यहाँ खुद ही वकील साहब से बोलें कि साहब इतने दिन से मुकदमा चल रहा है इसको डिसाइड करें, नहीं होता है तो हाईकोर्ट, और उस पर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का विकल्प आपको खुला हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगा, यदि जो काश्तकार हैं उनके उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है या महिला है जिनके नाम में जमीन दर्ज है, तो उसमें एक स्पेशल प्रोविजन है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम सीनियर सिटीजन है या महिलाएं हैं तो हमारे शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए, महिलाओं के नाते या सीनियर सिटीजन होने के नाते। ठीक है, अच्छा किस तरह की बात आपको रखनी पड़ेगी वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कोर्ट के सामने 10-12-15 साल से मुकदमा चल रहा है, अब नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो क्या करें? देखिए, जैसे आपके किसी सुनने वाले ने आपको कहा कि मेरा 22 साल से मुकदमा चल रहा है, तो उनके इसका मतलब उसमें कायस्कर काफी इन्वॉल्व होंगे। यदि काफी इन्वॉल्व है और उसमें सीनियर सिटीजन है तो उनको एक तो सीनियर सिटीजन के बेसिस पे एप्लीकेशन लगानी चाहिए, उसमें कोई महिला इन्वॉल्व है तो उनके बेसिस पे लगानी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि साहब हमको कंपनसेशन जल्दी से आए जिससे हमारी जमीन, हमारी तो रोटी रोजी खत्म हो चुकी है, तो हमको कंपनसेशन तो समय पे मिले जिससे हम अपने परिवार को चला सकें। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो कॉमन क्वेश्चन आपका आया है मैं अगला उसी में से सप्लीमेंट्री ये क्वेश्चन है, मुआवजे को निर्धारण मतलब किसी जमीन का 10 रुपये होगा या 100 रुपये होगा, ये जो एक कानून की स्थिति है वो तो है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक इसको लेके कुछ कहा है कि ये तो एक आपने मोटी मोटी बात कह दी कि साहब फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन फेयर कंपनसेशन का कोई मैथमेटिक है क्या, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने कभी उस मैथमेटिक को बताया?
देखिए, जहां तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वो भी हमेशा यही देखते हैं जो बेस्ट रजिस्ट्री है वो बेसिस बना के चलते हैं उस इलाके में। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आप एक जगह 200 बीघे जमीन एक्वायर करी है सरकार ने, और उस 200 बीघे के हिसाब से आप उनके उनके सामने 50 गज की रजिस्ट्री रख रहे हैं, 100 गज की रख रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अप्रिशिएट नहीं करती है। यदि उसमें एक बीघा है, दो बीघे की यदि रजिस्ट्री है, तो उसको अप्रिशिएट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमेशा कंपनसेशन को इंक्रीज करती है। लेकिन अथॉरिटी क्या करती है? अथॉरिटी जब बात करती है तो कम की रजिस्ट्री देती है, किसान जाता है तो ज्यादा की रजिस्ट्री देता है। तो कोई क्या मध्यम मार्ग निकाला है क्या हमेशा कोर्टों ने? क्या किया क्या है कंपनसेशन? देखिए होता क्या है कि एविडेंस, ये एविडेंस को अप्रिशिएट करने वाली बात है जी। जो एविडेंस को अप्रिशिएट करते हैं वो एडिशनल डिसीजन भी अप्रिशिएट करते हैं, वो हाई कोर्ट भी करती है। बहुत सी केसेस में तो ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आप रेफरेंस कोर्ट गए और रेफरेंस कोर्ट में कोई एविडेंस आप नहीं दे पाए और बाद में आपकी नॉलेज में आए, तो हाई कोर्ट ने उसको भी एंटरटेन किया, उसके बेसिस पे कंपनसेशन इंक्रीज किया। ऐसा नहीं है ठीक है कि हाई कोर्ट बिल्कुल आंख बंद करके करती है कि जो कंपनसेशन वो रेफरेंस कोर्ट ने किया वो ठीक किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो एविडेंस रिकॉर्ड पे है उसको अप्रिशिएट करके अक्सर इंक्रीज करती है। ठीक है, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो आप लोगों ने लगातार हमसे बोलते रहे, डीएम का रोल का आपको क्या लगता है? लैंड एक्विजिशन के मामले में डीएम का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अक्सर ये देखा गया, और अक्सर क्या, जो मुझे 8-10 हज़ार कॉल्स आई हैं और लोगों ने अपने प्रश्न किए हैं, उन्होंने कहा सब डीएम, कोई डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट का, कोई राज्य सरकार का इंसाफ नहीं कर रहा है, वो हमेशा पैसा कम ही देता है। देखिए उसके दो कारण है। हाँ, पहली बात तो ये जो कानून है उस कानून में ये पावर कलेक्टर को दी गई है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में देखें कोई भी कलेक्टर ये खुद फैसला नहीं करता है। ये पावर या जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बनाया होता है तो किसी एसडीएम को बनाया होता है या किसी एडीएम को बनाया होता है, और वो एसडीएम या एडीएम प्रेशर में होते हैं, वो सरकार के खिलाफ कम निर्णय देना चाहते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जब जितना कम से कम कंपनसेशन दिया है उतना अच्छा है। मतलब क्या राज्य सरकार और डीएम के बीच एक तरह का मतलब अनकहा अलिखित एक समझौता है कि लैंड तो एक्वायर करो लेकिन मुआवजे में कटौती कर दो, अलिखित समझौता है क्या ये? देखिए इसको हम अलिखित समझौता कहें या सरकारों के काम करने के तरीके या सरकारों के काम करने के तरीके कहें, या हम ये कहें कि जो एसडीएम जो लैंड एक्विजिशन बना हुए हैं या एडीएम जो लैंड एक्विजिशन बनाते हैं वो प्रेशर में काम करते हैं, उनको लगता है कि यदि मैंने फेयर कंपनसेशन दे दिया, ज्यादा कंपनसेशन, कहीं मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर मेरे कहीं से इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, मतलब आपकी जमीन का मुआवजा अगर एडीएम एसडीएम सही निर्धारित कर देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जांच बैठ जाए। कौशिक सर ये बात कह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर सरकार अर्जेंसी के आधार पर अधिग्रहण की प्रक्रिया कर रही है और कोई किसान अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता, अगर बिल्कुल किसी ने कहा कि साहब आप एक्विजिशन लाख कर रहे हो लेकिन साहब हम तो नहीं देना चाहते क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी, हमारी जमीन माँ है, हम नहीं बेचना चाहते, या अधिग्रहण के बाद मुआवजा भी हमें नहीं चाहिए, करोड़ों में मुआवजा भी दो तब भी नहीं चाहिए, इस स्थिति में वो क्या कर सकते? देखिए जहाँ तक पहला कानून था जो भूमि अर्जन 1894 कानून था उसमें तो ये विसंगति थी, लेकिन अब जो कानून बना है 2013 में जो अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट ने पास किया है उसके हिसाब से जो टोटल जमीन है उसका शहर में है 80% है जी, और गांव में 70% है। यदि लोग उसके लिए एग्री नहीं करते तो अब आप उस जमीन को एक्वायर उस हिसाब से नहीं कर सकते, मतलब स्वीकृति लेनी पड़ेगी एक्विजिशन करते हुए। जी जी, शहरी क्षेत्र में 70% है और ग्रामीण इलाके में 80%, यानी कि साफ तौर पर 100 में से 80 लोगों ने कह दिया कि जमीन हम देना चाहते हैं, तो साहब अगर आप 81वीं हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं कल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था कि ये जो यमुना एक्सप्रेस पे जमीन कुछ और एक्वायर करना चाहते हैं, तो जो एक्वायरिंग जो ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अथॉरिटी ने कहा कि यदि क्या नाम है कंपनसेशन इंक्रीज होता है, सरकार इसकी गारंटी लेती है तो हम एक्वायर कराएंगे, वरना हम नहीं कराना चाहते हैं। तो अब जो है ना जो एक्वायरिंग बॉडीज है वो भी थोड़ा कॉशियस हो गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दे रही है यदि कंपनसेशन बढ़ेगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, यदि किसी गाटा का अधिग्रहण हुआ है, 10 किसानों की जमीन उस गाटा के अंतर्गत गई है, मुआवजा
कम मिलने के कारण 3 किसान ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट के आदेश से मुआवजा बढ़ गया। सवाल ये है कि बाकी बचे किसानों का कोर्ट के आदेश का फायदा मिलेगा, प्रश्न नंबर 1, और या हर किसान को उस आदेश के अवलोकन में कोर्ट की शरण जाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, मतलब 100 लोग हैं, एक्विजिशन किया गया, कम निर्धारण किया गया, उसमें 100 में से 50 तो चले गए, 50 बैठे रहे, बोले साहब जब 50 का जो होगा देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि एनहेंसमेंट कर दिया, गाटा संख्या एक ही है, एक्विजिशन उसी इलाके का हुआ, तो ये जो बचे 50 लोग हैं इनको उस आदेश का फायदा मिलेगा या इनको जाना पड़ेगा? आपके जो प्रश्न है उसको दो पार्ट में जवाब दूंगा। जी जी जी। पहला पार्ट तो ये कि यदि फाइनल फैसला हाई कोर्ट ने किया है और हाई कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिक ये नहीं कहा है कि साहब ये जो हम निर्णय दे रहे हैं, ये जो हमारे सामने पिटीशन आया है सिर्फ उन पे अप्लाई होगा, ठीक है, तब तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है तो जो बाकी किसान हाई कोर्ट में नहीं आए उनको भी वो कंपनसेशन इंक्रीज रेट पे मिलेगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं उन नोएडा अथॉरिटी का जो जजमेंट आया पुश्तैनी गैर पुश्तैनी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप नोएडा अथॉरिटी को कहा कि आप पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जो कम पैसा आपने गैर पुश्तैनी को दिया वो पुश्तैनी के हिसाब से ही मैं इंटरेस्ट के देंगे। अब क्या हो रहा है, जो लोग पेटिशनर नहीं थे वो अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं, अथॉरिटी कह रहा है कि साहब आप तो पेटिशनर की उसमें है ही नहीं, तो आप पर वो तो लागू ही नहीं हो रहा, वो बेचारा किसान घूम रहा है। देखिए, मैं उन काश्तकारों को सलाह देना चाहूँगा कि कोई अच्छा वकील करें और वो अपनी जो ड्राफ्टिंग है, जो एप्लीकेशन है, वो प्रॉपर अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करें और अथॉरिटी उस पर रीजनेबल टाइम पे फैसला करके कंपनसेशन इंक्रीज नहीं करती है, उनको तुरंत हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट से उनको निश्चित रूप से रिलीफ मिले। और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तब सुप्रीम नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी यदि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो पहले तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन जजमेंट हालांकि सुप्रीम कोर्ट का, देखिए उसको हम ये देखें, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 141 और 142 है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो वो कानून है, वो कानून सबको मानना पड़ेगा, वो फिर हाई कोर्ट पे भी लागू होगा, अथॉरिटी पे भी लागू होगा। नोएडा अथॉरिटी उससे उसको ये नहीं कह सकती हम पे मान्य नहीं। ठीक है सर, एक लगातार हमसे प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देश भर में लैंड एक्विजिशन के मामले चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर और तिरुवनंतपुरम तक हर जगह LA के मामले हो रहे हैं। आम जनता के लिए आप वो बताएं कि अपने केस को, LA के केस को करने के लिए किस तरह के वकीलों का चयन करें, ये एक बड़ा प्रश्न आता है हमको। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। काश्तकार अक्सर क्या होता है, वो उनको कानून की जानकारी नहीं होती और वो इस तरह के लोगों को कॉन्टेक्ट कर ले, कभी कभी तो कोई ठेकेदारी कर लेता है, जैसे पटवारी कहेगा मैं तुम्हारा मुकदमा करा दूंगा, कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, या गांव का जो प्रधान होगा वो कहेगा मैं करा दूंगा आप चिंता मत करिए, उनका इन चीज़ों से अहित होता है। उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके ये पता करना चाहिए कि जो लैंड एक्विजिशन का मुआवजे का अच्छा एक्सपर्ट हो, जो लैंड एक्विजिशन के मुकदमे लगातार करते आ रहा हो, ऐसे को संपर्क करके अपना जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनसेशन के लिए वो उनको उससे बनवा के दाखिल करना चाहिए। करेक्ट, निचली अदालत में अगर आपका केस खराब हो गया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आगे भी खराब हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। इसलिए वकील चुनते समय मुझे लगता है जिसने लैंड एक्विजिशन के प्रैक्टिकल केसेस देखे हो और लगातार इस कानून को लेकर, अगर नया है तो इस कानून को लेकर बहुत जजमेंट आए हैं, जिसने पढ़े हैं, जिसने केसेस किए हैं, कम से कम उनको चुनना ज्यादा बेहतर ही होगा। इसमें एक बात और कहूंगा कि यदि किसी वजह से उनके पास फंड्स की कमी है या वो कोई और किसी तरह से उनको दिक्कत आ रही है, जैसे आप इतना अच्छा मुहिम चला रहे हैं, वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनको कम से कम न्याय तो मिले। ये जो अज्ञानता के बेसिस पर उनका जो नुकसान हो रहा है वो तो बचेगा। यदि वो कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन के लिए एंटाइटल हैं, वो सर्किल रेट का 4 times मिलना चाहिए, 2 times मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स तो लगाने चाहिए। ना वो सर्किल रेट लगा पाते हैं, ना ही वो क्या नाम है जो बड़ी रजिस्ट्री हैं वो लगा पाते हैं। तो आप यदि रेफरेंस कोर्ट जाते हैं, रेफरेंस कोर्ट किस बेसिस पर आपको एनहेंस करेगी? जब तक आप लैंड एक्विजिशन के सामने या रेफरेंस कोर्ट के सामने प्रॉपर एविडेंस नहीं लीड करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको कंपनसेशन प्रॉपर मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। करेक्ट। केसी कौशिक सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, करीब करीब आपने
जो प्रश्न हमको लगातार आए उन प्रश्नों पे आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप जब भी देखें तो एक काम जरूर करें, अपने प्रश्न, अगर आपके कोई दिमाग में प्रश्न आते हैं, ये जो प्रश्न मैंने कौशिक सर से पूछे वो निश्चित रूप से वही प्रश्न थे जो आपके पूछे गए, हमसे कहा गया कि इनके क्या जवाब होंगे, इसलिए ये प्रश्न हमसे, तो आप वीडियो जरूर देखें, आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो हमको लिखें जरूर, क्योंकि आप लिखेंगे तो हम केसी कौशिक जैसे विद्वान वकीलों से आपके प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उनके लिए बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।